फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बनाने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसको हम लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। तो आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर इमली का पल्प, और साथ में चाहिए जैगरी यानी गुड़। तो गुड़ है यहाँ पर है 750 ग्राम, और ये है काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, सौंफ है, ये दो पिंच यहाँ पर कलर, और जीरा और सौंफ का पाउडर। ये हमें सारे मसाले चाहिए, और साथ में हमें चाहिए 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, जो कि इसकी थिकनेस को बढ़ाएगा, और 2 चम्मच हमने पानी में डाल करके इसको अच्छे से घोल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, और कढ़ाई में जितना भी इमली का पल्प था वो हमने डाल दिया है, और इसमें मैंने 1/2 लीटर यानी 2 ग्लास पानी मैंने इसमें और ऐड किया है, ताकि इमली का जो पल्प है वो अच्छे से पक जाए। तो अब इसमें डाल देंगे गुड़, और गुड़ को आप मेल्ट करके ना क्रश करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ वैसे भी मेल्ट हो जाता है, और अगर आप इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में भी डालेंगे तो भी वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद आप देखते हैं कि इसमें अब मसाले जो भी हैं उसको एक साथ डाल देंगे। और जो इसमें हमने 2 पिंच कलर डाला है, कलर डालने से क्या होता है कि जो चटनी का जो कलर है ना, बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। वरना अगर प्लेन इमली की वैसे चटनी बनाओ, वो थोड़ा भूरी भूरी सी और काली काली सी दिखती है। तो आप इसको अच्छे तरह से घुमाते रहेंगे, और इसको आप हाई फ्लेम में ना पकाएं, इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने दें, क्योंकि हाई फ्लेम में पकने से क्या होगा कि जल्दी से बहुत जल्दी उबाल आ जाएगी, और ये पूरी गिर जाएगी। तो उसके लिए अब हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने कॉर्न स्टार्च घोल करके रखा हुआ था, इसको डालने से क्या होगा, जो चटनी है उसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ जाएगी, और हमारी चटनी की थोड़ी रंगत और अच्छे से निखर के आएगी। तो अब इसमें वैसे तो लोग खजूर और मगज ये सब भी डालते हैं, तो हम ये सब नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ प्लेन और एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो अब हमारी जो चटनी है बिल्कुल पक चुकी है, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने 40 से 45 मिनट तक इसको पकाया है, और पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस इतनी हो गई कि जितना था उसका आधा हो गया। तो हमें चटनी इतनी देर तक पकानी है कि जितना हमने उसमें पानी रखा था उसका आधा हो जाए। तो ये आधा हो चुका है, और आप चेक कर सकते हैं कि चटनी का चम्मच से अगर हम इस तरह इसको गिराएंगे तो इसका जो लास्ट ड्रॉप है वो एकदम बूंद बूंद करके टपकेगा। तो इसका मतलब आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। और दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको उंगली पे इस तरह से टच करके, इस तरह से हाथ में चिपचिपाहट गाढ़ी गाढ़ी सी, और एक तार टाइप जो बनता है चाशनी की तरह, तो वो भी इसका तरीका है चेक करने का। तो आपकी जो चटनी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सिंपल, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल बचाव वाला फील आता है इस चटनी से। तो हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसमें जो मसाले थे, अगर आपको थोड़ा भी कम ज़्यादा कुछ लगता है तो आप इस पॉइंट पर आप इसमें टेस्ट करके चेक कर लीजिए, और आप इस पॉइंट में नमक, चाहे मिर्च और या फिर मीठा, जो भी आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगता है वो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। इस चटनी को आप 6 महीने तक स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं, और अगर आपको जब भी बनाना हो तो 2 चम्मच निकालें, और 2 चम्मच में पानी मिला करके अच्छे से इसको घोल करके आप उसको यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि ये बाद में ना फ्रिज में रख के थोड़ा और ठीक हो जाएगी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।